हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कारी बालक में। तो हम बात कर रहे थे कुछ ऐसी अनकट एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने न्यूफ्लिक्स और फिनो मूवीज के साथ काम किया हुआ है और उनके वेब सीरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इस लिस्ट में है नाम बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस का, रुक्स खंडागले, जिन्हें आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करते देखा होगा, मगर अपने शुरुआती दिनों में इन्होंने फ्लिज और न्यूफ्लिक्स के साथ काम किया है, जिनमें वो सेमी अनकट तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आ रही हैं। फ्लिज मूवीज की गेम और न्यूफ्लिक्स की जो वेब सीरीज है घाट घाट का पानी, उसमें रुक्स खंडागले ने सेमी अनकट तरीके से परफॉर्म किया है। इन सब के अलावा रुक्स खंडागले जो है शेक्सपियर के साथ भी कोलैब कर चुकी हैं, जिसमें वो हार्डकोर तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आ जाएंगी। ये जो हार्डकोर वाले वीडियो हैं वो आपको किसी ऐप पर नहीं मिलेंगे, ये वो केवल अपने लाइव ऐप के थ्रू परफॉर्म करती हैं। बाकी अगर आपको रुक्स खंडागले के शुरुआती दिनों के वीडियो देखने हैं तो फ्लिज और न्यूफ्लिक्स मूवीज की जो वेब सीरीज है आप उन्हें देख सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है पीहू सिंह का। पीहू सिंह ने भी बहुत सारे अनकट किए हैं, मगर आज हम कवर कर रहे हैं जो न्यूफ्लिक्स की, वो है सरला भाभी, वक्त और पैसा। इनमें पीहू सिंह ने सेमी अनकट तरीके से परफॉर्म किया है, जिसमें आपको फ्रंटल न्यूडिटी देखने को मिल जाएगी। हालांकि पीहू सिंह अभी काफी छाई हुई हैं और उल्लू ऐप के साथ बैक टू बैक कोलैब करते हुए नजर आ जा रही हैं। एक्सप्रेशन और परफॉर्मेंस के मामले में पीहू सिंह बाकी अपने को एक्टर्स को टक्कर देते हुए या उनको बहुत पीछे छोड़ते हुए नजर आ जाएंगी। अगर आप लोगों ने पीहू सिंह की अनकट देखी है या कोई सी भी वेब सीरीज देखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पीहू सिंह आपको कैसी लगती हैं। लिस्ट में अगला नाम है कमालिका चंदा का। ये भी काफी पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं। शुरुआती दिनों में इन्होंने फ्लिज मूवीज के साथ मंदारक, द मैजिशियन और दमाद जैसे वेब सीरीज किया है, जिसमें इन्होंने भी काफी बोल्ड और सेमी अनकट वाले सीन दिए हुए हैं। इन सब के अलावा कमालिका चंदा की मिसिस टीचर नाम से एक शॉर्ट मूवीज या बोल्ड और इरोटिक मूवीज आई थी, उसने अनकट से ज्यादा पॉपुलरिटी और ज्यादा जो अटेंशन गेन किया था, और उस मूवी के बाद ये काफी हाईलाइट हो गई थी। कमालिका चंदा के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बीच में हाईलाइट होती हैं, फिर गायब सी हो जाती हैं और फिर अचानक से निकल के आती हैं। तो उनका जो दौर है कभी आता है कभी जाता है। एक समय पे ये अनकट करके काफी पॉपुलर हो गई थी, बीच में गायब हो गई, फिर वेब सीरीज प्राइम प्ले और हंटर की आई उसमें ये नजर आ रही थी, उसके बाद फिर से अभी गायब है। तो इनके बारे में जो ऑडियंस है कभी कभी पूछ लेती है, तो उनका अगर आप वेब सीरीज देखना चाहें तो मंदारक और दामाद वेब सीरीज देख सकते हैं। लिस्ट में अगला नाम है नेहा गुप्ता का। न्यूफ्लिक्स पे इनकी कोठा, मुठिया, एयर होस्टेस जैसी वेब सीरीज स्ट्रीम हो रही है। शुरुआत में नेहा गुप्ता को ज्यादा नोटिस नहीं किया गया था, मगर जैसे जैसे उनकी सेमी अनकट वाली वीडियो लगातार आने लगी तो दर्शकों का जो है इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और जब नेहा गुप्ता ने पॉपुलैरिटी हासिल कर ली तो वो बड़े बड़े ऐप के साथ कोलैब करते हुए नजर आ गई, और अब वो केवल अच्छे एडल्ट इरोटिक वेब सीरीज ही कर रही हैं। अभी सेमी अनकट वाला और जो हार्डकोर वाला सीन है उनका देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग नेहा गुप्ता के फैन हैं तो जाके आप उनकी पुरानी वेब सीरीज देख सकते हैं या नई भी देख सकते हैं, दोनों में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेहा गुप्ता आपको कैसी लगती हैं। लिस्ट में अगला नाम है राशि वर्मा का। राशि वर्मा तो काफी पॉपुलर हैं, क्योंकि ये किसी भी ओटीटी से ज्यादा अपने प्राइवेट ऐप में परफॉर्म करते हुए नजर आ जाती हैं। ओटीटी में तो ये काफी बोल्ड और सेमी अनकट तरीके से परफॉर्म करती हैं, मगर अपने ऐप में इन्होंने पूरा धमाल मचा के रखा है और फुल हार्डकोर वाले और पूरे फ्रंटल के साथ साथ लोअर अपर वाले सीन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि राशि वर्मा ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में न्यूफ्लिक्स की मत्स्य कन्या, मिस्ट्री, तौरिया, शिकारी जैसे वेब सीरीज से की थी, जिसमें वो काफी बोल्ड और सेमी अनकट तरीके से परफॉर्म कर रही थी, और इतनी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद उन्होंने अपना खुद का प्राइवेट ऐप लॉन्च किया और उसमें वो हार्डकोर तरीके से परफॉर्म करने लगी, और इसी का नतीजा था उन्हें बहुत सारी वेब सीरीज ऑफर होने लगी और उन्होंने वेब सीरीज में काम भी किया। इतनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद राशि वर्मा को काफी वेब सीरीज ऑफर होने लगे और उन्होंने जो मिल्फ वाले कैरेक्टर हैं उनको एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दिया, और जब एडल्ट ओटीटीज की शुरुआत ही हो रही थी उस समय राशि वर्मा ने अपना जो है सिक्का जमा लिया, मगर अब दौर बदल रहा था और उनसे भी ज्यादा बोल्ड, स्लिम
और खूबसूरत एक्ट्रेस ने अपना जो है कब्जा जमा लिया है, इसलिए राशि वर्मा अब ज्यादातर अपने ऐप पर ही नजर आती हैं। मगर उनके पुराने वेब सीरीज को लोग आज भी सर्च कर रहे हैं। अगर आपको राशि वर्मा अच्छी लगती हैं तो आप जाके उनके पुराने वेब सीरीज देख सकते हैं या उनके प्राइवेट ऐप में ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, समय सीमा को देखते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे इसका तीसरा पार्ट भी लेके आएं और आप लोगों को उन वेब सीरीज से रूबरू कराएं जिन्हें आपकी चाहत है कि आप एक बार देख लें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।